हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नवदीप है, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीप बायोलॉजी क्लास एंड जॉब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टोरा यानी पीएचडी प्रोग्राम रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीप बायोलॉजी क्लास एंड जॉब चैनल में, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस उस टाइप के देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो, चाहे आपका साइंटिस्ट रिलेटेड पोजीशन हो या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड पोजीशन हो या आपका बीएससी एमएससी पीएचडी रिलेटेड नोटिफिकेशन है, उसके वीडियोज़ को डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप जो है बी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका वैसे एस आई जे आर एफ हो, एस एम आर जे आर एफ, डी बी टी जे आर एफ, बी एस सी एम एस सी एंट्रेंस या आपका जो है नीट का एग्जाम हो, तो उससे यहाँ पे मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है आप रेगुलरली आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेंगे नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया बिट्स पिलानी से आया, जो कि पिलानी में जिसकी ब्रांच है दुबई में भी है, गोवा में भी, हैदराबाद में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टोरल पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है, वो डिपेंड करता है कौन से सब्जेक्ट में फुल टाइम है, कौन से सब्जेक्ट में पार्ट टाइम, इन पिलानी गोवा एंड हैदराबाद कैंपसेस फॉर सेकंड सेमेस्टर एकेडमिक ईयर 2021-2022 इज ओपन नाउ। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, क्लिक हेयर करके आप जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बी एस पी एच डी एडमिशन प्रोसीजर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे सी एस आई जे आर एफ, आई सी एम आर जे आर एफ, डी बी टी जे आर एफ अगर आपके पास नहीं है, तब भी अगर आपका यहाँ पे एनरोलमेंट होता है पी एच डी में, तो आपको यहाँ पे जो है पी एच डी फेलोशिप दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉल फॉर एप्लीकेशंस में अगर आपका यहाँ पे एनरोलमेंट हो जाता है पीएचडी में, तो आपको यहाँ पे पीएचडी फेलोशिप इन इंटर डिसिप्लिनरी बायो साइबर फिजिकल सिस्टम फंडेड बाय बिट्स बायोसिथ फाउंडेशन। तो यहाँ पे आपको जो फेलोशिप दी जाएगी वो फंड किया है बिट्स बायोसिथ फाउंडेशन की तरफ से, आपको जो यहाँ पे फेलोशिप दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक है, पी एच डी फी स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे पी एच डी एडमिशन की, किस में आपको फुल टाइम पी एच डी एनरोलमेंट रहेगा, किस में आप लाइक पार्ट टाइम रहेगा, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस में अगर बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम आपका रहेगा, पार्ट टाइम यहाँ पे नहीं रहेगा। और पिलानी कैंपस में गोवा में भी आपका फुल टाइम रहेगा, पार्ट टाइम रहेगा गोवा में, और आपका हैदराबाद में जो है फुल टाइम भी आप पी एच डी बायोलॉजिकल साइंस में कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे देख सकते हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट पी एच डी करना चाहते हैं, चाहे वो का फुल टाइम हो चाहे वो का पार्ट टाइम हो, आप इसके अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो है यहाँ पे आपका एम एस सी या एम टेक या एम फार्मा होना चाहिए, कंसर्ट सब्जेक्ट में भी 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो है आपको फुल टाइम स्टूडेंट के लिए आपको प्रिफरली इंडिविजुअल हु वुड लाइक टू परस्यू पी एच डी नाउ रिसाइडिंग ऑन कैंपस। तो अगर आप फुल टाइम पी एच डी करना चाहते हैं तो आपको कैंपस में रहना पड़ेगा या आपको जो इंस्टीट्यूट में रहना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट टाइम वालों के लिए क्या है कि आपको यहाँ पे प्रिफरेबली इंडिविजुअल हु आर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटी एंड एनवायरमेंटल फॉर रिसर्च। जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है कि अगर आपको यहाँ पीएचडी प्रोग्राम में आपको एनरोल होते हैं आप, तो आपको यहाँ पे 28,000 और 31,000 पर मंथ दिया जाएगा, और वो डिपेंड करता है कितने इनटेक हैं, यानी कितनी वैकेंसीज हैं पीएचडी, कितने कितनों को जो है यहाँ पे फेलोशिप दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है इनटेक क्वालिफिकेशन की बेस पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर आप यहाँ पे जो आप एडमिटेड होते हैं रेगुलर कोर्सेज में या लाइक फुल टाइम कोर्स में, तो आपको यहाँ पे इनमें मेंशन करा 8 to 10 आवर्स पर वीक आपको वर्क करना पड़ेगा एज असाइन टू हर हिम बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। डेडलाइन जो है वो आपके 30 नवंबर 2021 है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के अलावा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डीओबी सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप एडमिशन जो पोर्टल वो ओपन हो जाएगा 16 अक्टूबर को, ऑलरेडी ओपन हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है। डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 10 दिसंबर 2021 है। टेस्ट या इंटरव्यू आपकी 5 जनवरी 2022 है। अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन ऑफर्स टू पीएचडी प्रोग्राम ऑन बिट्स एडमिशन वेबसाइट 10 जनवरी 2022। रिपोर्टिंग ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट टू रिस्पेक्टिव कैंपसेस 17 जनवरी 2022। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 18 जनवरी 2022 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वो सारे मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, आपका मे बी रिटन टेस्ट भी हो सकता है यहाँ पे, या आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पेमेंट की, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी 2,600 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब जो आप एप्लीकेशन फी है ये आप जो है क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अलाउ मी टू अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, स्कैंड इमेजेस करनी पड़ेंगी और अपना एप्लीकेशन फी को पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप से जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी एडमिशन ब्रोशर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है पीएचडी एडमिशन ब्रोशर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ आपको पीएचडी एडमिशन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फाइनेंशियल असिस्टेंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ऑलरेडी तो हमने डिस्कस कर लिया कि आप फुल टाइम भी या पार्ट टाइम भी कर सकते हैं पीएचडी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोल दिया। और आपको यहाँ पे देखिए एम टेक या लाइक आपका जो असेसमेंट दिया जाएगा ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो भी आपको दिया जाएगा वो भी यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मैंसन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एडमिटेड विद एमई, एमटेक, एमफार्मा, एमबीए, एमफिल और इक्विवेलेंट डिग्री आर एलिजिबल टू रिसीव इंस्टीट्यूट फेलोशिप ₹31,000। तो यहाँ पे जो है अगर आपने एमई किया, एमटेक या एमफार्मा, एमबीए, एमफिल है तो आपको 31,000 दिया जाएगा। वहीं अगर आपने एमएससी, बीई या बी फार्मा किया, इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है तो आपको यहाँ पे 28,000 दिया जाएगा। इसके अलावा डी स्टूडेंट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क विल रिसीव ₹31,000। तो ये थी कि अगर आपने अभी कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया तो आपका जो है 28,000 से आपका बढ़ के जो अमाउंट हो जाएगा 31,000 हो जाएगा फ्रॉम द सेमेस्टर फॉलोइंग द वन इन विच द कोर्स वर्क वॉज कम्प्लीट। आई थिंक मे बी एक सेमेस्टर का आपका कोर्स वर्क रहेगा, जैसे ही आप कोर्स वर्क को कम्प्लीट करेंगे तो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर से जो आपका अमाउंट है फेलोशिप का वो बढ़ के 31,000 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा डेट ऑलरेडी हमने जो आपके साथ डिस्कस कर लिया है, लास्ट डेट 13 नवंबर 2021 है और जो आपका एप्लीकेशन फी है वो ₹2,600 जो है क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब हम बात करें रिटर्न टेस्ट डिटेल की, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है रिटर्न टेस्ट आप कराएगा तो उसका इन्होंने जो है यहाँ पे लाइक बता रखा है कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, चाहे वो बायोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, विल हैव टू राइट 2 टेस्ट। यानी आपको अगर इन सब्जेक्ट में किसी भी आप अप्लाई करें पीएचडी के लिए तो आपको 2 टेस्ट यहाँ जो देने पड़ेंगे। टेस्ट 1 रहेगा विल बी कॉमन टू ऑल डिसिप्लिन एंड टेस्ट 2 रहेगा वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। जैसे अगर आप जो है बायोलॉजी साइंस में अप्लाई करें तो आपको टेस्ट 2 जो है वो बायोलॉजिकल साइंस रहेगा। टेस्ट 1 में क्वेश्चन पेपर में 30 MCQ क्वेश्चन रहेंगे जो कि जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिसिस रिसर्च एप्टीट्यूड के रहेंगे और ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का वो 1 आवर रहेगा। और यहाँ पे 2 मार्क्स जो है आपको पॉजिटिव लाइक अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो 2 मार्क्स, वहीं अगर आपने कोई भी निगेटिव गलत क्वेश्चन किया तो आपको यहाँ पे 0.5 मार्क्स की आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। टेस्ट 2 में आपको 70 जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे और आपने अगर हर को अगर क्वेश्चन सही किया है तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा, वहीं अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग दिए हैं, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है तो आपको यहाँ पे 0.5 मार्क्स जो है वो कट जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट विद एम फिल, एम बी, एम टेक और विद नेशनल फेलोशिप लाइक सी एस आई, डी बी टी, यू जी सी, नेट, जे आर एफ एग्जाम्पटेड फॉर टेकिंग द अबाउट टेस्ट। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी आपकी खुद की फेलोशिप हो, चाहे आपका सी एस आई हो, सी एस आई, जे आर एफ, आई सी एम आर, जे आर, जे आर एफ, डी बी टी, जे आर एफ, तो आपको यहाँ पे कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जो है आप इंटरव्यू के बेस पे जो है आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ उन्होंने जो मेंशन कर रखा है कि अदर कैंडिडेट, चाहे वो आपका अगर ह्यूमनिटी या सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स में आप अप्लाई करें तो वहाँ उसका जो है टेस्ट 1 जो है पैटर्न अलग है और टेस्ट 2 जो है आपका वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सिलेबस उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो अगर बायोलॉजिकल साइंस में अप्लाई करें तो आपको जेनेटिक्स, मॉलिकुलर टेक्निक, मॉलिकुलर केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ये सारा जो है आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा जो कि सब्जेक्ट है। और आपको जो कंटेंट क्या क्या पढ़ना वो भी क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है और जो रेफरेंस बुक्स भी इन्होंने ले ली जो मेंशन कर रखा है, तो अब इन रेफरेंस बुक की हेल्प से जो है इन 3 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको यहाँ पूरा जो है लाइक सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पीएचडी फी स्ट्रक्चर की, जैसे आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर पे तो आपको यहाँ पे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स का जो भी शेड्यूल ऑफ फी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एडमिशन फी में आपको फुल टाइम ₹48,100 देना है, पार्ट टाइम में भी 48,100। ऐसे पीएचडी प्रोग्राम एट गोवा, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है सिटीज़ में जो है इसका फी पेमेंट जो इन्होंने क्लियरली मैंसन कर रखा है। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल लेंगे तो हॉस्टल का फी भी इन्होंने मैंसन कर रखा है, 5,000। पीएचडी थीसिस एग्जामिनेशन फीस भी मैंसन कर रखा है और इंस्टीट्यूशन कॉस्ट एंड डिपॉजिट भी इन्होंने यहाँ पे मैंसन कर रखा है। तो अगर आप इसके लिए हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आप जो है बिट्स के कैंपस में, आप जो भी कैंपस में आप इनरोल होते हैं या एडमिशन लेते हैं वहाँ पे आपको जो हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हम देख लेते हैं, आई थिंक ऑलरेडी हमने आपके साथ सारा चीज़ जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।